नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के एक और लर्निंग वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में थे। वहां पर डेटा बुलिश था, वो मार्केट को लास्ट और में ऊपर रख के लेके गए, फिर बाद में FII ने ह्यूज सेलिंग कर दी, राइटिंग कर दी, फिर निफ्टी में मार्केट आपको नीचे आ गया। ये डेटा सजेस्ट कर रहा है दोस्तों। अब देखें यहाँ पे FII की जो एक्टिविटी है, 10,000 इन्होंने लॉन्ग किया आज फ्यूचर में और आपको 2,300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, 10,300 लॉन्ग किया फ्यूचर में टोटल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल 8,400 को ही ऑप्शन में मात्र 6,800 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है कि लॉन्ग हुआ है और 1,200 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ। लेकिन क्या इतना ही हुआ होगा, क्या इतना ही आज हुआ होगा, इस चीजों को आप समझिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक्चुअल डेटा आप यहाँ पे FII की FNO एक्टिविटी आप देखिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपको 10,000 देखिए, ये 10,800 लॉन्ग हुआ टोटल आपको चेंज और यहाँ पे 2,300 शॉर्ट हुआ, टोटल एक्टिविटी 8,400 हुई, 8,400। अब इसमें से निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में 5,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया गया, बैंक निफ्टी में 2,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया गया। आप ये 5,600 और 2,800 देखेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा और यहाँ पे क्लोज किया गया। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 8,200 जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 8,400 ही इतना निकल के आ जाएंगे। तो ये डेटा अलग अलग पता चलता है, इसलिए आप देखे होंगे कि निफ्टी आज बिल्कुल नहीं गिर रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में निफ्टी में लॉन्ग कर रहे थे, फ्यूचर में लॉन्ग कर किए जा रहे थे। अब उन्होंने ऑप्शन में क्या किया, आज ऑप्शन में आप माफ करिएगा दोस्तों, ये डेटा आप देख रहे हैं 6,800 और 1,200 आपको इतना ही एक्टिविटी रही, लेकिन एक्चुअल में आज ये 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट पूरे बनाए गए हैं, 2,32,000। अब इसमें से क्या हुआ है, टोटल 6,700 निफ्टी में चेंज हुआ है, उसमें से 8,200 उन्होंने कॉल की बाइंग करके गए हैं, 1,500 पुट की राइटिंग करके गए हैं। यहां पे क्या है, निफ्टी के लिए स्लाइटली वो बुलिश है कल के लिए। बैंक निफ्टी उन्होंने क्या किया है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट पूरे चेंज हुए हैं दोस्तों, पूरे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए हैं बैंक निफ्टी में, उसमें से 17,800 उन्होंने कॉल की राइटिंग किया है, 3,300 पुट की बाइंग किया हुआ है। तो यहां पे देख सकते हैं डेटा दोनों अपोजिट था, निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश था, बैंक निफ्टी ऐसी था, फिर निफ्टी में 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जो है 2,24,000 हुआ, इसमें से उन्होंने 2,75,000 कॉल की राइटिंग और 50,000 पुट की बाइंग करके गए हैं लास्ट आवर में। तो देखिए यहां पे डेटा क्या है, बैंक निफ्टी का स्लाइटली बियरिश है, फिन निफ्टी का पूरा डेटा बियरिश है और निफ्टी का यहां पे क्या है, स्लाइटली बुलिश डेटा है। तो ऑप्शंस में निफ्टी में वो एक्टिव नहीं है। अभी आप इस डेटा से देखिए कहां पे एक्टिव है, ये 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने कॉल की बाइंग की है, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहां पे 17,000 क्या है, कॉल की राइटिंग की है, यहां पे 3,000। तो ये आपको पोजिशन हैज करते हैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी से, जबकि यहां पर फिन निफ्टी में स्ट्रॉन्ग ये बेरिस है, ऑप्शन में यहां पे ये बुलिश है 5,900 कॉन्ट्रैक्ट से, बैंक निफ्टी में भी यहां पे ये लॉन्ग करके गए हैं फ्यूचर में। तो ये डेटा हमें आपको इंडिकेट कर रहा अलग अलग कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में बड़े प्लेयर यानी FII का, नॉट बड़े प्लेयर, FII का क्या पोजीशन है। अब बाकी और प्लेयर का हम डेटा यहां पे देखते हैं कि क्लाइंट ने क्या किया, तो आप क्लाइंट देख सकते हैं कि क्लाइंट ने यहां पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया है, 6,300 शॉर्ट, 1,000 लॉन्ग भी इन्होंने किया है। नेट बेसिस पे इनका शॉर्ट यहां पे क्या है, आपको जो है जो लॉन्ग था वो क्लोज होकर 1,900 कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्रेश पैसा इनका शॉर्ट मार्केट को नीचे ले जाने में लगा हुआ है। इसके बाद 93,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या है, कॉल की राइटिंग की है आज प्रेस, और उनके पास पुट की बिल्कुल क्या है, बाइंग आज नहीं की है, जो कैरी करके गए हैं दोस्तों। ये निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों का डेटा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है जो हमारे FII का डेटा आ रहा है, लेकिन अभी वो डेटा अवेलेबल नहीं है जैसे हम ले रहे हैं। अवेलेबल होगा तो हम जरूर आपको क्लाइंट्स और FII प्रो का भी डेटा दिखाएंगे, लेकिन अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। 88,000 से 98,000 यानी यहाँ पे 1,88,000 फ्रेश पैसा यहाँ पे इनको राइटिंग में लग गया कॉल की, 1,83,000 यहाँ पे पुट की भी इनकी राइटिंग है। तो ये लगभग आधे क्लाइंट को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आधे क्लाइंट को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आज जो किया गया एक्टिविटी वो आपको मार्केट को नीचे लाने के लिए लग गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,86,000 में से 98,000 आज चेंज है, क्लाइंट यहाँ पे हमारे स्लाइटली बेरिस है। FII का हमने डेटा देख लिया कि यहाँ पे ये लॉन्ग करके गए हैं, अब ये 10,000 में से आपको 8,000 जो फ्रेश लॉन्ग हुआ है ये कहां पे हुआ है, हमने यहाँ पे दिखा दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 5,200 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको 6,200, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस का डेटा देखें,
तो 6000 आपको सिर्फ दिखा रहा है कि कॉल की बाइंग हुई है, जबकि 1200 ही पुट की राइटिंग हुई है, यहाँ पे ये दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 6000 कॉल की हुई है यहाँ पर टोटल चेंज 1000, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे 232000 हुआ आज, उसमें से 8200 कॉल की बाइंग की गई है, थोड़ी सी कॉल पुट की राइटिंग की गई है। टोटल बैंक निफ्टी में 14000 कॉन्ट्रैक्ट शो कैरी करके गए हैं, जो वहां पे 17000 उन्होंने पुट की कॉल की राइटिंग की है, पुट की थोड़ी बाइंग की है 3300 कॉन्ट्रैक्ट, और फिन निफ्टी में 275000 यहाँ पे राइटिंग करके गए हैं और पुट की बाइंग। फिन निफ्टी नीचे रहेगा, बैंक निफ्टी भी नीचे रहेगा, निफ्टी स्लाइटली अप रहेगा, जो आपको दो दिन से चल रहा है। ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है क्लियर क्रिस्टल दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस चैनल पर है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अब हम आपको प्रो का डेटा दिखाते हैं। प्रो में देखिए इन्होंने क्या किया कि 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो शॉर्ट किया, 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग किया, नेट बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनका बढ़ गया 3400 6800 हो गया, तो यहाँ पे स्लाइटली बेयरिश हैं। ऑप्शन में इन्होंने क्या है? जो भी इनके पास कॉल की आज राइटिंग थी वो क्लोज कर दिया, 91,000 ही रहा, और इन्होंने पुट में कुछ पोजिशन आज नहीं बनाई, तो मैक्सिमम इनके पास पुट की राइटिंग 200,000 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे बुलिश है। तो आप यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग देखें, प्रो हमारे बुलिश हैं, FII भी हमारे स्लाइटली निफ्टी में बुलिश हैं, निफ्टी में यहाँ पे ये फिन निफ्टी में तो बेरिश हैं, लेकिन निफ्टी में बुलिश हैं, बैंक निफ्टी में भी स्लाइटली जो है वो बेरिश हैं, और DII एज यूजुअल इनकी एक्टिविटी अभी न्यूट्रल टाइप है। तो ये डेटा रहा दोस्तों, इस डेटा के आधार पर क्लाइंट हमारे आपको क्या हो गए कि बेरिश हो गए, क्लाइंट यहाँ पे बेरिश हो गए हैं, FII हमारे जो है निफ्टी में बुलिश, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में बेरिश, और प्रो हमारे बुलिश है। अब इसको अगर आप ऑप्शन चैन पे देखें कि ऑप्शन चैन में कहां पे डेटा इंडिकेशन मिल रहा है दोस्तों, तो आई होप कि मैंने ऑप्शन चैन की सीट नहीं ओपन की है, जस्ट मैं ओपन कर लेता हूं आपके सामने में, एक मिनट और अपडेट आपके सामने करेंगे, ताकि आपको भी ये दिखता रहे कि कैसे डेटा अपडेट होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपने मास्टर सीट में डालता हूँ और यहाँ पे ये वाली में ओपन कर देता हूँ सीट। दोस्तों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेटा के आधार पर पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल ये पता नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या होने वाला। तो देखिए 43,954 के पास क्लोजिंग दिया है मार्केट ने आज जो है बैंक निफ्टी। अब ये 44,000 का, मैंने आपको कल बात किया था कि 44,000 पे एक्टिविटी जो है वो स्लाइटली यहाँ पे ज्यादा था, तो 44,000 एक जो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ओवरऑल आज लास्ट में पुट की अच्छी राइटिंग हुई है, 2,38,000 यहाँ पे सिर्फ कॉल में कम ही हुई है, 0.93 का यहाँ पे PCR है। डेटा यहाँ पे स्लाइटली बुलिश इंडिकेट कर रहा है स्लाइटली, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या है, FII आपको याद रखिए कि उन्होंने 20,000 ही पोजीशन करके करे हैं, ज्यादा नहीं इनका पोजीशन है, ज्यादा क्या फिन निफ्टी में। तो ये आपको 44,000 जो है ये अभी भी आपको यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर 44,100 44,200 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई यहाँ पे डेटा नहीं है। 44,000 पे यहाँ 59,000 पोजीशन बनाया गया है आज, लेकिन ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक 44,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप लॉन्ग नो ही है। नीचे का टारगेट आपको रहेगा एक बार मैक्सिमम 43,800, इससे ज्यादा मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे पोजिशन क्लोज हो गए, 43,900 पे पुट साइड तो पोजिशन बना हुआ है, लेकिन कॉल साइड ये पोजिशन क्लोज हो रहे हैं, तो मार्केट एक बार हो सकता है कल और डेटा बनाया जाए तो ऊपर की तरफ ही रहे। अब इसको हम निफ्टी का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी में अगर देखें यहाँ पे हाँ तो ऑब्वियसली 1.10 ये हमारा PCR है, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं, 348 के पास क्लोजिंग है, 350 पे देखें तो ये यहाँ पे जबरदस्त पुट की राइटिंग हो रही थी, इवन 400 पे भी हो रही थी, लेकिन लास्ट आवर में कॉल साइड भी थोड़े राइटर आ गए हमारे, कॉल साइड भी वो पोजिशन कैरी करके गए हैं, तो 2,23,000 यहाँ पे 1,18,400 अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे 69,000 पोजीशन बनाया गया और 400 के ऊपर कोई आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनता हुआ है, कोई इंदम है, और 350 के नीचे भी कोई पोजीशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे पोजीशन क्लोज है। तो अभी सपोर्ट 18,300 का, रजिस्टेंस 18,400 का कल का रहेगा। डेटा दोनों तरफ लगभग इक्वल बनाया गया है, 22,00,000 यहाँ पे 25,00,000 यहाँ पे डेटा है, डेटा यहाँ पे निफ्टी का न्यूट्रल बता रहा है, कल मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या हुआ है,
फिन निफ्टी के जो लास्ट आवर में यहाँ पे हुआ है, जहां पे कॉल की सेलिंग हुई है जबरदस्त, ये आपको 100 पॉइंट फिन निफ्टी को गिरा दिया। दोस्तों आप इस डेटा को देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लगभग 275,000 यहाँ पे कॉल की तरफ यहाँ पे राइटिंग हुई, 275,000 FIA ने किया। वो क्या किया, पूरे एक घंटे में ही 100 पॉइंट 460 से सीधा यहाँ पे आप देखे 362 ला दिए थे। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अगर पोजिशन बनाना है तो एक बार 360 वाट के पास वेट करिए और वहां से लॉन्ग होइए 460 के लिए। फिर निफ्टी में निफ्टी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पूरे दिन यहाँ घूमता रहा 420, जहां हमारा पेन भी 420 था, 420 हमारा आपको न्यूट्रल पॉइंट था, उसी के आसपास रहा। पेन 400-300 के ऊपर था, इसलिए इसके बीच मार्केट घूमता रहा 385 से 420 के ऊपर, और लास्ट में फिन निफ्टी जब गिरा तो निफ्टी को भी लेके नीचे आ गया। तो ये हमारा लेवल है, आपको 320 तक आप लॉन्ग रहिए। एक बार यहाँ पे लॉन्ग है तो 320 के ऊपर एक बार आप 385-385 के पास टारगेट बुक कर लीजिए, वेट करिए 420 के ऊपर क्लोजिंग देने का। 385-390 तक आप बुक कर सकते हैं टारगेट। आपको शॉर्ट होना है तो 280 के नीचे फ्रेश उठिए, फ्रेश शॉर्ट 280 इस स्विंग के नीचे, टारगेट 240 का और 200 का रखिए दोस्तों। तो ये हमारा आपको निफ्टी का लेवल रहा। बैंक निफ्टी जो हमने कल लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली आपको इसको ब्रेक करके लेकिन सस्टेन नहीं किया, लास्ट में देखें सस्टेन नहीं किया, फिर इसी रेंज में आ गया। लेकिन अभी ये रेंज थोड़ा नैरो हो रहा है, रेंज देखें आप नैरो हो रहा है। तो एक बार 43,790 का इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस दोस्तों 44,000। दो मैं आपको बोला हूँ 44,000 के जब ऊपर निकलेगा तो 160 जा सकता है, और 160 के आसपास ही आज लगभग इसने हाई लगाया था। आज का अगर हाई देखें आप यहाँ तो लगभग 44,092 यानी 44,100 के पास गया था, सस्टेन नहीं किया। तो 44,100 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर लेंगे तो ही आप फ्रेश लॉन्ग हुई, टारगेट हमारा 160 का ऊपर 43,500। तो ये मैक्सिमम 160 से ऊपर नहीं जा सकता है। ये हमारा डेटा रहा FII, थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल का ही डेटा कैश का है। दोस्तों आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, बहुत ही शॉर्टकट में और क्रिस्टल क्लियर डेटा के इस पर एनालिसिस है। आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ डेटा देखिए बताया था सब। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमने यहाँ पे आपको 18,410 यहाँ पे पूरे प्लान देयर फॉर लॉन्ग साइड, यहाँ पे फिर निफ्टी सपोर्ट 360, रेजिस्टेंस 1970 के न्यूट्रल पॉइंट था, वहाँ पे 360 के ऊपर ही सपोर्ट लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने एक जो फिन निफ्टी का दिया था 0 to Hero भी, और ये टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हुआ, वहाँ पे बुक हो गया। तो ओवरऑल डेटा के आधार पर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 24th से, ये मात्र आपको 10 दिन का बैच है और फुल्ली ऑटोमेटेड यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बताया जाता है। आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, इमीडिएट 10% डिस्काउंट, 10% अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो दोस्तों एनालिसिस रहा, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल का पसंद क्रिएट न कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पे बाई सेल। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।